हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के रूल्स बता रहा था, यानी कि ऑक्सीकरण अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं, किन नियमों से ज्ञात करते हैं। आज हम आपको चौथा नियम बताने वाले हैं, फोर्थ रूल्स में आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थ्री रूल्स मेरे लास्ट क्लास में हुए थे, आज हम पढ़ेंगे रूल्स नंबर फोर। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन व्हेन इट इज बॉन्डेड विद द अल्कलाई मेटल एंड अल्कलाई अर्थ मेटल, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज माइनस वन। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन वास्तव में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कंपाउंड के अंदर। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि किसी भी कंपाउंड का पहले फॉर्मूला लिखो, और फॉर्मूले में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाते हैं, यानी कि सहसंयोजी बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर जाते हैं, और उस पर माइनस चार्ज आता है जिसकी तरफ वो जाते हैं, और जिसकी तरफ से जाते हैं उस पर प्लस का चार्ज आता है। ये वाली बात मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट बिना फॉर्मूला बनाए हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, आजकल ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को आजकल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं रूल्स नंबर फोर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरली प्लस वन होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो प्लस वन होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन खुद हाइड्राइडों के साथ, इट मीन्स एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल, यानी कि क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, हेलिना की रब से फरियाद पहला ग्रुप, और ग्रुप सेकेंड बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, आपको याद होंगे। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये आपके पास कहलाते हैं एल्कलाइन मेटल। ठीक है, और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो ये जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये कहलाते हैं एल्कलाइन मेटल्स। तो देखिए, मेटल्स यानी कि धातुएं, ये क्षार धातु और ये क्षारीय मृदा धातु, तो इन तत्वों के साथ अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है, फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पर LiH, लिथियम हाइड्राइड NaH, सोडियम हाइड्राइड CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो अगर हाइड्रोजन इन तत्वों के साथ, इन एलिमेंट्स के साथ हाइड्राइड बनाता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन इन एलिमेंट में से किसी के भी साथ हाइड्राइड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगा, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी इनके अलावा हाइड्रोजन का सभी जगह ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है। तो जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्लस वन, लेकिन जब ये हाइड्राइड बनाता है एल्कलाइन मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ तो इसका हो जाता है माइनस वन। तो चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा NaH, सोडियम हाइड्राइड, तो सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूं मैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का वन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं सपोज दैट H2O वाटर के अंदर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो बच्चों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस वन। ठीक है, मैंने लिखा HCl, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा HCl, अगर मैं HCl लिखता हूँ तो यहाँ भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इनमें से किसी के भी साथ अगर हाइड्रेट बनाता है तब तो माइनस वन आता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर मान लो इनके अलावा किसी के साथ हाइड्रेट बनाता है तो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूल्स नंबर फाइव,
रूल्स नंबर 5। 5 रूल्स क्या कहता है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फ्लोरीन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है, ठीक है। अब क्यों है ये भी हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, लेकिन वो आगे की क्लासों में पढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान दो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कभी भी फ्लोरीन इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, कभी भी फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दर्शाएगा। फ्लोरीन हमेशा ऋणात्मक ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाएगा, और वो कितना शो करेगा? ऑलवेज -1 शो करेगा। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज कितना होता है? -1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अदर हेलोजन की। हेलोजन क्या होती है? फिर कल बाहर आई आंटी, FCl BrI। जनरली हम जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है हमारा -1, तो नीचे वाले सारे एलिमेंटों का भी -1 होता है। तो अदर हेलोजन जनरली शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरली अदर जो हेलोजन है वो भी -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इनका भी। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनली बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जब ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती हैं, किसके साथ कंबाइंड होती है? ऑक्सीजन के साथ। फॉर एग्जांपल ClO2 मैंने लिख दिया, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सो एसिड, है ना, ClO2, ClO4, ये आपके पास बहुत सारे परक्लोरिक एसिड होता है ClO4, तो ये आपके पास ऑक्सो एसिड और ऑक्सो एनायन बोलते हैं इनको। तो ऑक्सो एसिड और ऑक्सो एनायन के अंदर हेलोजनों का ऑक्सीडेशन नंबर विल बी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, लेकिन होगा पॉजिटिव में, ठीक है। कैसे होगा वो? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव की बात करें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्लोरीन +4 में चला जाएगा, यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर भी हम इस तरह निकाल सकते हैं, वो हम निकालना आपको सिखा देंगे। फिलहाल आपका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, लाइन तो सुनेंगे ध्यान से, अगर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सो एनायन या ऑक्सो एसिड बनाता है, तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हो सकता है या होता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने लिया HCl, यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ है क्लोरीन, तो हम सब जानते हैं हाइड्रोजन का +1 होता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन मैं साफ साफ लिखता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होगा, जल्दी बोलिए, -1। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है -1। इसी तरह अगर हम बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स हमको दिए जाते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये ले लूँ मैं, जैसे मानो मैंने बना दिया ClO2 या HClO4, कोई सा भी ले सकते हो। अगर मैंने ये लिखा और मैंने कहा इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा है, चार्ज हो सकता है -1 -2, इस तरह ये लो मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ HClO4 या ClO4- मैंने लिखा, तो यहाँ पर मुझे क्लोरीन का निकालना है, तो यहाँ क्लोरीन जो है वो किस में जाएगा? +7 में पहुँच जाएगा। बच्चों देखो, इसका ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसका मैंने x मान लिया, यहाँ क्लोरीन +7 में है। कैसे निकाला ये मैं आपको सिखा दूंगा अभी अगले वाले 6 वाले टॉप पॉइंट में, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, जिसका आपको फाइंड करना है उसका x मान लेते हैं, ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 होना ही होना है, तो 4 के लिए हो जाएगा -8, इधर जाके -1, क्योंकि तो पूरे का इक्वल -1 आ रहा है, तो x = -1 + 8 = +7, इस तरह निकलता है। तो ये कैसे निकला भी सिखा देंगे बच्चों, बस फिलहाल ये ध्यान रखो अगर ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में ये चीज काम आने वाली है आपकी, पूरी केमिस्ट्री में ये चीज काम आने वाली है, इसलिए इस चीज को ध्यान से लिखेंगे। चलिए
रूल्स नंबर 6 एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है, क्योंकि इसके थ्रू आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्या रूल्स है ध्यान से देखेंगे। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए कंपाउंड मस्ट बी जीरो, यानी कि एक यौगिक में, कोई भी एक यौगिक है, उसके अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर का, उन सब के ऑक्सीकरण अंकों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको लिख के दिखा रहा हूं, जैसे मैंने लिखा, बिल्कुल आराम से लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया आपके सामने K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7 मैंने आपके सामने ये लिख दिया। अब इसके अंदर पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन, या एक एग्जांपल और ले लेता हूं KMnO4, ठीक है, ये एग्जांपल लेता हूं, और मैंने इसके अंदर अंडरलाइन कर दिया क्रोमियम को और इसके अंदर अंडरलाइन कर दिया मैंगनीज को। आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो मेरा रूल्स क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम, कि सभी परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, इट मींस जीरो होता है। तो देखो, हम जानते हैं पोटेशियम फर्स्ट लाइन होती है हेलिना की तरफ से, भैया उन सबका प्लस वन होता है, तो पोटेशियम का प्लस वन होता है तो दो के लिए हो जाएगा +2, ठीक है। अरे एक का प्लस वन होता है, आपको ये मैं बता देता हूँ, हेलिना की तरफ से भैया बेटा मांगे कहा, जब मैं लाइन लिखी थी, इन सबका प्लस वन होता है, हेलिना की रब से फरियाद, इन सबका प्लस वन होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इन सबका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इन सबका +2 होता है, ठीक है। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि पोटेशियम का प्लस वन होता है, देखो फर्स्ट ग्रुप का प्लस वन, सेकंड ग्रुप का प्लस टू अगर कंपाउंड में है तो, ठीक है, तो पोटेशियम का प्लस वन होता है तो दो के लिए +2 हो जाएगा। क्रोमियम का मुझे मालूम नहीं है तो मैं एक्स मान लू, एक क्रोमियम का x होगा, मेरे पास दो क्रोमियम है तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस लगाओ, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन का -2 होता है, सिखाया था मैंने कल वाले रूल्स में, ऑक्सीजन का -2 होता है और मेरे पास यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आ जाएगा -2 × 7, ठीक है। और इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर का जो योग होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो देखो 7 × 14 तो आपके पास आ रहा है +2 + 2x − 14 = 0, आपके पास आ जाएगा 2x − देखो +2 − 14 − 12 = 0, तो 2x = 12 और आपके पास आ जाएगा x = 12/2 यानी कि 6, और किसका आ रहा है? प्लस का, तो मैं यह कह सकता हूं +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बच्चों वो कितना आ गया यहां पर? +6 आ गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इस रूल से आप इजीली किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अगेन फिर से बता रहा हूं कि जितने भी एटम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। इंग्लिश मीडियम, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0, ठीक है। तो इस तरह मुझे क्रोमियम का मालूम नहीं है, पोटेशियम का मालूम होता है, ध्यान रखना मैंने बता दिया है, अब कोई बच्चा नहीं भूलेगा। हेलिना की तरफ से भैया फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सबका प्लस वन होता है। सेकेंड ग्रुप है, बेटा मांगे कार पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते आ रहे हो 10th क्लास से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, तो रेंडोन सॉरी इसमें +2 होता है। तो इधर की बात करते हैं अपन, यहाँ पर मुझे क्रोमियम का पता नहीं है तो क्रोमियम का पता करने के लिए मैंने पहले पोटेशियम का मुझे पता है प्लस वन होता है तो दो के लिए +2 हो जाएगा,
क्रोमियम का पता नहीं है, इसका मैंने एक्स मान लिया, जिसका मैं पता नहीं होता उसका हम एक्स मान लेते हैं, तो दो क्रोमियम है तो दो का हो जाएगा दो एक्स, और ऑक्सीजन का मुझे पता होता है माइनस टू होता है, तो सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस सिक्स, तो क्रोमियम का प्लस सिक्स होता है। इसी तरह के एम एन ओ फोर का निकालना है, आ जाइए के का मैं प्लस वन मुझे पता है एक ही है, एम एन का मुझे पता नहीं है एक्स मान लिया, ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना होता है माइनस टू, तो फोर को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एट, ठीक है इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का वन और माइनस का एट, यह आ जाएगा एक्स माइनस सेवन बराबर जीरो, एक्स बराबर प्लस का सेवन। तो यहाँ पर मैंगनीज का आपके पास आ गया प्लस सेवन, ये मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज, मैंगनीज का यहाँ पर प्लस सेवन आ गया। तो बच्चों इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी कंपाउंड का, लेकिन इसके अंदर आगे की एक लाइन और है, एंड और इन ए पॉलीएटॉमिक आयन, एक बहु परमाणु आयन की बात अगर हम करें तो उस आयन पर जितना चार्ज होता है उसके इक्वल उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का योग है। फॉर एग्जाम्पल क्या इस पर कोई चार्ज था, क्या इस पर कोई चार्ज था, ये लो मैंने हटा दिया, अब बताओ क्या इसमें इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज था, नहीं था, इसलिए हमने इक्वल टू जीरो लिखा। लेकिन अगर मैं आपको दूं PO4 माइनस माइनस थ्री, तो इसके अंदर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंकों का जो योग आएगा, जो जोड़ आएगा इन सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग, इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम, वो कितना आएगा माइनस थ्री आएगा, कितना आएगा माइनस। तो यहां अगर आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका मैंने एक्स मान लिया फास्फोरस का, ऑक्सीजन का मुझे पता है माइनस दो होता है, ये माइनस तीन ऑक्सीजन का नहीं है, ध्यान रखेंगे ये पूरे पीओ फोर का है, ऑक्सीजन का मुझे पता है माइनस दो होता है, तो माइनस दो होता है तो चार के लिए कितना हो जाएगा माइनस का एट इज इक्वल टू, अब आपके पास जीरो नहीं लिखोगे, अब जितना चार्ज इस पर गिवन है पूरे पर, ये माइनस तीन इस पूरे का चार्ज है ध्यान रखेंगे, तो इक्वल में क्या आएगा माइनस का तीन आएगा, अब जीरो नहीं आएगा। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस का एट और प्लस का एट हो जाएगा, तो माइनस का तीन प्लस का एट इज इक्वल टू प्लस का फाइव, तो यहां पर फास्फोरस कितने में आ गया प्लस फाइव में आ गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए कंपाउंड मस्ट बी जीरो, एंड इन ए पॉलीएटॉमिक आयन मस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, यानी कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन हुआ तो उसके सारे परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अगर कोई कंपाउंड हुआ तो उसके सारे परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग जीरो के बराबर होता है, अगर कोई यौगिक हुआ तो जीरो के बराबर, और अगर कोई आयन हुआ तो उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाओ अपने पीछे वाले एग्जांपल पर, ClO4 माइनस, मैंने कहा था यहां पर क्लोरीन का प्लस सेवन होता है और मैंने कहा था मैं इसको समझाऊंगा, तो थोड़ा सा हम इसको यहां समझते हैं। इधर बच्चों ClO4 माइनस, इसका मैंने बोला था क्लोरीन का प्लस सेवन होता है, कैसे निकाला था आप देखेंगे। यहां पर देखो क्लोरीन का मुझे मालूम नहीं है, यहां पर कई बच्चे कह रहे हैं सर मुझे मालूम है माइनस वन होता है, नहीं बच्चों ये ऑक्सीजन के साथ है और जब ऑक्सीजन के साथ होता है तब इसका माइनस वन नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी क्लोरीन लिखा हुआ है, देखो रूल्स नंबर फाइव पढ़ो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कंबाइंड विद ऑक्सीजन देन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी पॉजिटिव, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जब ऑक्सीजन के साथ होते हैं तो इनका पॉजिटिव में आता है ऑक्सीडेशन नंबर, नेगेटिव में नहीं आ सकता। अब कितना आता है ये फॉर्मूले पर डिपेंड करता है ना, तो चलिए हम यहाँ क्लोरीन का निकालते हैं, मुझे मालूम नहीं है कितना है, मैंने एक्स मान लिया, जिसका मालूम नहीं होता मैथ के अंदर में एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हम सब जानते हैं ऑक्सीजन का तो माइनस होना ही होना है, तो माइनस टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट हो जाएगा, तो चार दुनी का आठ, माइनस का आठ बराबर, अब ये माइनस का वन चार्ज इक्वल आएगा क्योंकि ClO4 के ऊपर पूरे के ऊपर
इसके पूरे के ऊपर क्या लग रहा है, माइनस चार्ज लग रहा है, तो पूरा इक्वल किसके आएगा, माइनस वन के आएगा। तो चलिए x इज इक्वल टू माइनस का एट था उधर जाके प्लस का एट आ जाएगा, माइनस वन प्लस का एट, x इज इक्वल टू प्लस का सेवन। तो x की वैल्यू कितनी आई, प्लस सेवन, इसीलिए यहाँ पर क्लोरीन का प्लस सेवन है। तो बच्चों इस तरीके से आपको किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का या एटम का, किसी भी यौगिक में किसी तत्व का या परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके रूल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं इसी के साथ आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, वो ये कि हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, आजकल ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक को आजकल ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात एक आता है स्टॉक संकेतन, एक वर्ड आता है स्टॉक संकेतन, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन संख्या में लिखा जाएगा। रोमन संख्या तो आई होप सब जानते होंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले सब जानते होंगे। मैं समझाता हूँ, यहाँ पर है मैंगनीज का कितना आया, प्लस का सेवन, याद रखेंगे। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनके ऑक्सीकरण अंकों को रोमन संख्या में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा, के एम एन। अब के एम एन, एम एन की ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस सेवन, तो इसको इस तरह लिखा जाएगा, ये लो, समझ गए, एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस सेवन, तो ब्रैकेट के अंदर इसको सेवन रोमन अंकों में लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा O4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका पूरा के पूरा कहलाता है स्टॉक नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक नोटेशन हिंदी में बोलते हैं स्टॉक संकेतन। एक वैज्ञानिक था अल्फ्रेड स्टॉक, उसने इस तरह रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था कि जो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं, डी ब्लॉक आप जानते होंगे, आप 10th क्लास पढ़ के आए हूँ, 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है, आवर्त सारणी को हमने कितने ग्रुप में बांटा बच्चों, आवर्त सारणी को चार ग्रुप में बांट दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। इस तरीके की आवर्त सारणी थी, आपने देखी होगी, इस तरह बनी थी। तो ये आपका S होता है, ये आपका D होता है, ये आपका P होता है और नीचे आपका F ब्लॉक होता है। तो ये जो D ब्लॉक की धातुएं यहाँ जो भी आती हैं, वो सारी धातुओं, उन सारी धातुओं के ऑक्सीडेशन नंबर को अधिकतर रोमन संख्या में लिखा जाता है और इसे ही हम स्टॉक संकेतन कहते हैं। स्टॉक एक साइंटिस्ट का नाम है, अल्फ्रेड स्टॉक, उसने ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन संख्या में लिखने के लिए बोला था। मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं HAUCl4, एक एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं, किताब का एग्जाम्पल है, बुक का HAUCl4, ठीक है, HAUCl4। इसके अंदर हम गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ निकालेंगे। देखो H क्या है, हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन, इसका X, इसका Cl का माइनस वन होता है तो माइनस फोर हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर निकलेगा X इज इक्वल टू प्लस का थ्री आ जाएगा, यानी कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का थ्री। तो इसको कैसे लिखेंगे, HAU थर्ड और Cl4, दिस इज द स्टॉक नोटेशन। इस तरह आपको स्टॉक नोटेशन लिखना है। स्टॉक नोटेशन का मतलब अपने आप में एक तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी मेटल की। तो किसी भी कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है, रोमन संख्या में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे ही हम स्टॉक संकेतन या स्टॉक नोटेशन कहते हैं। अब मैं सारे रूल्स एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, जो भी मैंने रूल्स कल से लेकर आज तक बताए हैं। देखिए रूल्स नंबर 1, बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले ध्यान सुनेंगे कल के रूल्स में,
कि जितने भी एटम या मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है, ठीक है। रूल्स नंबर टू, मैंने आपको बताया था कि किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी कि आयन पर उपस्थित आवेश उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, ठीक है। रूल्स नंबर तीन कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जनरली सामान्यतया -2 होता है, परंतु अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, उन एक्सेप्शन की बात करें, जैसे कि पेरोक्साइड के अंदर -1 होता है, सुपरऑक्साइड बहुत कमी से मिलते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -0.5 होता है, और फ्लोरीन के साथ ऑक्सोफ्लोराइड जो बनाते हैं, यानी कि डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, इनके अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक वो पॉजिटिव में आता है, धनात्मक आता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद रूल्स नंबर चार, अगर कोई हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ने नहीं लिखा हो तो मैं बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग बोलता हूँ कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्यतया +1 होता है जब यह, यानी कि हाइड्रोजन क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ बंध बनाता है तो इसका ऑक्सीकरण अंक -1 हो जाता है। तो इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन इट इज बॉन्डेड विद एल्केलाई मेटल एंड एल्केलाई अर्थ मेटल, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है हमेशा, ठीक है। इसके अलावा अन्य हेलोजनों का ऑक्सीकरण अंक भी सामान्यतया -1 होता है, परंतु जब ये अन्य हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सो एसिड या ऑक्सो एनायन बनाते हैं तो फिर इनका ऑक्सीडेशन अंक धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। रूल्स नंबर छः, यदि किसी भी कंपाउंड में उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है तथा एक पॉलीएटॉमिक बहु परमाणु आयन के ऊपर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है, उपस्थित आवेश के बराबर होता है, या तो बहु परमाणु आयन हुआ तो उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होगा, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, या अगर बहु परमाणु आयन नहीं हुआ तो कंपाउंड के ऊपर चार्ज जीरो होता है, तो जीरो के बराबर होगा, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स, स्टोक संकेतन के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम पता लगाते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर से। देखिए, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, यानी कि क्रिया कारक के अगर किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में अगर वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन, ठीक है। तो क्रियाकारक यानी कि सब्सटेंस, क्रियाकारक में और सब्सटेंस के अंदर होते हैं एलिमेंट यानी कि तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अंक में अगर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अगर क्रियाकारक में किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कमी हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है। चलिए मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ, देखो सब ध्यान से देखेंगे, हमें पता है Mg से बना था Mg+2, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकले थे, और इसी तरह टू सी एल से दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और इसमें बना लिया Cl2, ठीक है, एक मिनट, इसने बना लिया Cl-, है ना, ये बन गया था। तो ये आपके पास बना है Cl+2 इलेक्ट्रॉन, तो Cl- बन गया था। तो यहां पर आप गौर से देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम रूल्स फॉलो करते हैं, मैग्नीशियम बिल्कुल अकेला है, कोई नहीं है इसके साथ, फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो। जीरो से ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है, प्लस टू हो गया है। अब इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस टू। यहाँ पर कितना है? जीरो। जीरो से प्लस टू जा रहा है, देखिए जीरो से जा रहा है प्लस टू में, तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? वृद्धि। ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है? वृद्धि। तो बस हम देखते कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, नीचे आ जाओ। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है यहाँ पर? जीरो। और यहाँ कितना आ गया? माइनस वन। तो जीरो से माइनस वन जा रहा है। हाँ जी, जीरो बड़ा है या माइनस वन बड़ा है? जीरो बड़ा है, माइनस वन छोटा होता है। तो ऑक्सीकरण अंक में यहाँ पर क्या आ रही है बच्चों? कमी आ रही है। यहाँ पर क्या आ रही है? कमी। तो अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी आ जाती है तो इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन दोनों का एक कंबाइन एग्जांपल मैंने आपको करवाया भी था कि Mg प्लस 2Cl या Mg प्लस Cl2 ओके इज इक्वल्स टू, हम पढ़ सकते हैं MgCl2। ये आप सब जानते हो Mg प्लस Cl2 इज इक्वल्स टू MgCl2। तो चलिए यहां पर मैं आपको समझाता हूं, मैग्नीशियम जीरो है और यहां पर मैग्नीशियम अगर आप निकालोगे तो प्लस टू आएगा। एक एक एलिमेंट का देखते हैं, मैग्नीशियम तो जीरो से मैग्नीशियम जा रहा है प्लस टू, तो इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और Cl2, यहां पर अगर Cl2 की बात करें तो यहां पर Cl2 जीरो है। ठीक है, और जीरो से जा रहा है आपका यहां पर माइनस में, तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इधर अपचयन हो रहा है, तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का, रिएक्शन के अंदर एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड आउट कर लोगे तो आप उस रिएक्शन को पहचान सकते हो कि वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या ओनली ऑक्सीडेशन है या ओनली रिडक्शन है। अंडरस्टैंड, मैं आपको किसी भी रिएक्शन से एक रिएक्शन और ले लेता हूं, मैं आपको एक बुक की रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि एक बुक में ये लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं C प्लस O2 या CH4 प्लस O2। रिएक्शन देखिए CH4 प्लस CH4 प्लस O2 इज इक्वल्स टू, एक आ रहा है आपके पास CO2 इज इक्वल्स टू प्लस 2H2। ठीक है, हाँ जी इधर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसमें मेथेन में सबसे पहले हम सब जानते हैं हाइड्रोजन प्लस वन होता है, तो यहाँ पर कार्बन का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो माइनस का फोर आएगा। निकाल सकते हो, कार्बन का एक्स माना, हाइड्रोजन का प्लस फोर बराबर जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस का फोर। तो कार्बन का यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का फोर आएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ओ टू फ्री स्टेट में है तो यहाँ पर जीरो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? यहाँ पर जीरो आएगा। इधर आ जाओ CO2 में, और जब हम CO2 की बात करें तो यहाँ पर CO2, देखो अब ये O2 कार्बन के साथ है, कंपाउंड है, ये अकेला था, और मैंने कहा था मुक्त अवस्था में होता है तो जीरो होता है, इसलिए इसका जीरो है, इसका जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पर माइनस टू होगा, तो ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, तो ये देखो एक्स माइनस टू टू करेंगे तो फोर हो जाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है हमारे पास, बराबर जीरो, तो एक्स बराबर प्लस का फोर, तो यहाँ पर कार्बन का कितना आया? प्लस का फोर आया। तो बच्चों आपको गौर से दिख रहा होगा माइनस फोर से प्लस फोर जा रहा है, माइनस फोर से प्लस फोर जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट होता है तो इसे अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, आ जाओ ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन जीरो में है और यहां ऑक्सीजन माइनस टू में है, तो जीरो से माइनस टू जा रहा है, आपको दिख रहा होगा जीरो से माइनस टू जा रहा है, तो जीरो से माइनस टू जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, और जब कमी आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब बच्चों यहां पर एक नई चीज और मैं आपको साथ ही साथ सिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है
किसकी वजह से हो रहा है? इसकी वजह से। तो जिसकी वजह से हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन इसकी वजह से हो रहा है तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब आधा उल्टा करते हैं, रिडक्शन पढ़ते हैं। इसका रिडक्शन इसकी वजह से हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो दो एजेंट होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे सब्सटेंस जो अदर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, अदर का ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं, उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो दूसरे का रिडक्शन करते हैं उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर मैं यहां पर एजेंट निकालूं, देखिए ये इसका रिडक्शन करता है तो ये आपके पास हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला इसको? सॉरी ये रिड्यूसिंग नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है इसलिए खुद क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। ठीक है, और ये इसका रिडक्शन कर रहा है इसलिए इसको बोला जाएगा अपचायक, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों को समझेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं वो सब्सटेंस में से यानी कि क्रिया कारक में से देखे जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक, रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी में बोलते हैं अपचायक। तो जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे वो ऑक्सीकारक, जो दूसरे का अपचयन करे वो अपचायक। इनकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी स्टूडेंट्स, ये आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी, ऑक्सीकारक और अपचायक। जो दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं, तो देखिए इंग्लिश मीडियम में ए रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस। एक ऐसा रिएजेंट जो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज कर देता है यानी कि उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीकारक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक। ये क्या करेंगे? दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका मतलब इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो विच कैन इंक्रीज, तो यहां लिख सकता हूं मैं विच कैन इंक्रीज, तो ए रिएजेंट द ऑक्सीडेशन विच कैन इंक्रीज, एक मिनट, ए रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन सब्सटेंस, इन ए गिवन सब्सटेंस, इन ए गिवन सब्सटेंस। तो किसी क्रिया कारक में, हिंदी मीडियम में सुनेंगे, वो अभिकर्मक जो किसी क्रिया कारक में किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंग में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यानी कि ऑक्सीकारक कहते हैं। वह अभिकर्मक जो किसी दिए गए क्रिया कारक में किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंग में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट में केवल इतना सा वृद्धि की जगह कमी लिख देंगे, इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ जाएगा, आपकी पूरी डेफिनेशन सेम बन जाएगी। ये जो इंक्रीज वर्ड है इसकी जगह अगर डिक्रीज लिख दोगे तो आपका बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अपचायक। तो अपचायक क्या होंगे? ए रिएजेंट विच कैन डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए गिवन सब्सटेंस। इंक्रीज की जगह आपको क्या लिख देना है? पूरी डेफिनेशन सेम आएगी, हिंदी मीडियम भी वाले वृद्धि की जगह कमी लिख देना, पूरी डेफिनेशन सेम आ जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, मैं बोल के बताता हूं, वह अभिकर्मक जो किसी क्रियाकारक के किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी कर देते हैं उसे हम अपचायक कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक अपचायक। अगर आपको समझना है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे वो ऑक्सीकारक,
जो दूसरे का अपचयन करे वो अपचय है। तो इसी तरह किसी भी रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो इन ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, वो था ऑक्सीडेशन नंबर, कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालते हैं, कैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट निकालते हैं, कैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन का पता लगाते हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, आई होप कि आपके समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए हमारी वीडियो, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।